जॉइंट ऑर्डर क्या हो सकता है? आपने 144 लगाया है ना, यू हैव डन 144 नहीं, मेरी सेफ्टी का कोई नहीं, आप तो एक ही, आप तो सभी हम एक ही सफ में है, चाहे वो मिलिटेंट हो चाहे वो आप आम शहरी हो जिसने यहाँ इलेक्शन लड़े हैं, अब तो एक ही बात है। ये अच्छा शिफ्ट है, आप मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा शिफ्ट है जम्मू कश्मीर पुलिस का, कि जब आप किसी को रोकना चाहेंगे तो आप लॉ एंड ऑर्डर का नाम देते हैं, जिसको फैसिलिटेट करना चाहेंगे वो इस वक्त मजलिस पर रहा है। रसूल की बात है जनाब, ये रसूल आपका भी है, रसूल मेरा भी, रसूल उनका भी, लेकिन ये क्या शिफ्ट है इसका, उसका जवाब मुझे बताइए। मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं वो, इस वक्त वो कौन से खिताब कर रहे हैं, और मैं नहीं, मेरा मेरे को आप मेरी चिंता मुझे आप दे दीजिए, मैं लिख के दे दूंगा कि अगर आज मुझे इस नाम पर मरना भी होगा मैं मरने के लिए तैयार हूँ, मैं लिख के दूंगा, मुझे किसी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं, मेरे साथ अल्लाह ताला सबसे, आपकी पुलिस है ना, सिचुएशन कैसे खराब हो जाएगा, इतनी पुलिस मारेंगे तो मुझे मारेंगे, मैं अकेलोता जा रहा हूँ ना, मैं तो कह रहा हूँ आपको, तो मुझे कुछ लिख के दे दीजिए ना, लिख के दे दीजिए, आई हैव लिख के दे दीजिए, आई हैव एंड ऑन व्हाट काउंट्स आई हैव Am I a problem to the peace and tranquility? Please write to me. Sir, मुझे लिख के दे दीजिए ना, ऐसे तो नहीं हो सकते ना, you can't stop me. लिख के तो दे दीजिए। What happens to the constitutional people? कहीं यहाँ भी हो रहा है कि दूसरे constitutions को देख रहे हैं लोग? मेरा सिर्फ जिन्होंने यहाँ मिलिटेंसी चलाई, जिसने मेरे वालिद साहब पर अटैक करवाए जिसमें 16 लोगों की शहादत हुई, वो इस वक्त मिंबर पर बैठकर खुतबा फरमा रहा है, और जो हम लोग जो मुतासिर हुए उनको आप घर में बंद कर रहे हैं। आप मुझे बताइए ना, आप माहौल एक एक आदमी से क्या माहौल हो सकता है? मैं अकेला जाऊँगा ना, मैंने आपको कहा, मैंने कहा मैं अकेला